हेलो एवरीवन, मैं हूं बटान अकलीम और आप सबका खुश आमदीद करता हूं मेरे चैनल ओरिजिनल पाकिस्तानी में। आज मैं कर रहा हूं कंपैरिजन वीडियो बिटवीन अली अजमत एंड टीम तैयार है सॉन्ग एंड और यू कैन से PSL एंथम विद अली जफर का अभी जो लॉन्च किया है मेला लूट लिया PSL एंथम या सॉन्ग जो भी आप कहें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों मुझे लगता है कि अली अजमत ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, ज़्यादा अच्छी म्यूज़िक थी, ज़्यादा अच्छा काम था देन अली जफ़र। दूसरा रीज़न क्या है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अली जफ़र को इस वीडियो से क्या साबित करना था और क्या उन्होंने इस पूरी ओवरऑल सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू क्या गेन किया है और क्या उन्हें दिखाना था। थर्ड, मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा कि एक्चुअली PSL को और PSL के जो एक इस कंट्रोवर्सी की वजह से PSL और पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ है। तो ये मेरी वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा क्योंकि मैं इस किस्म की इंफोटेनिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं हूँ ओरिजिनल पाकिस्तान। सुनते हैं PSL का जो एंथम 2020 का है अली अजमत एंड टीम, उसको थोड़ा सा सुनते हैं। मैं ज़्यादा नहीं लगा सकूँगा क्योंकि मुझे क्लेम मिल जाएगा और कि मैं चैनल बैन हो सकता है। तो अभी पहले सुनते हैं हम अली अजमत का सॉन्ग। तो अली अजमत ने जो एंथम गाया है उनको एक थीम मिली थी, अगेन इट्स अ ब्रांडेड कंटेंट, इसको HBL ने स्पॉन्सर किया है। तो यू कैन से जो तैयार है एक थीम अली अजमत को दी गई थी जिसको उन्हें गाना गाना था। अब हम बात करते हैं अली जफर का सॉन्ग सुनते हैं एंड देन फिर आगे मैं डिस्कशन करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि कंपेरिजन के हिसाब से वाई आई थिंक अली अजमत एंड टीम डिड अ बेटर जॉब देन अली जफर। दास्तां अपनी दिल से दिल मिलाती है, तेरी आँखों में है ऐसा प्यार। तो ये था अली जफर का। अब बात करते हैं कि अली अजमत का सॉन्ग क्यों मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा बेहतर था। अगर एक फील, हर सॉन्ग की, हर एक गाने की एक फील होती है। फील का मतलब ये है कि मैं अगर वो गाना सुन रहा हूँ तो मेरे क्या फीलिंग्स हो रही, क्या इमोशन हो रहे हैं, उस हिसाब से अगर एक जो जोश वलवला, एक जो तैयार है वाली थीम वाली कि क्या तुम लोग तैयार हो, झंझोड़ने वाली चीज़ है, वो मुझे अली अजमत के सॉन्ग जो है या एंथम है उसमें वो चीज़ मुझे ज़्यादा नज़र आ रही देन अली जफर का सॉन्ग। हाँ, ये अगर बात करें तो अली अजमत जो है ही उनका जॉनर रॉक हार्ड है या रॉक कह लें। इन्होंने बहुत अच्छे नारे ना और हमारे जुनून से और इश्क से जो कायदे आज़म साहब की मूवी बनी थी उसके ऊपर उन्होंने गाने गाए थे, जो एक उनके आवाज़ के अंदर एक गूंज है वो अली जफर की, आई थिंक वो मैं बाद में बात करता हूँ अली जफर के बारे में, जो एक गूंज है, जो एक जोश वलवला जो चाहिए होता है वो जो है क्या कहते हैं अली अजमत के वॉइस में, अली अजमत के गाने में बहुत बेहतरीन तरीके से आया। ख़ास तौर पे इसके अंदर जो एक दो पावरफुल पैक वॉइसेस हैं जिसमें आरिफ लोहार को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, तो आई थिंक दिस कॉम्बिनेशन इज़ सो अमेजिंग। क्योंकि पहला जो एक अली अजमत और आबदा परवीन का मैंने बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखा था कोक स्टूडियो के अंदर, उसके बाद अली अजमत और आरिफ लोहार का एक पावर पैक कॉम्बिनेशन जो इस क्या कहते हैं सॉन्ग या एंथम PSL के अंदर था वो बहुत बेहतरीन था। आई थिंक वो चीज़ बहुत ज़्यादा लैक करती है, वो फील बहुत ज़्यादा लैक करती है अली जफर के सॉन्ग के अंदर। अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड के अली अजमत को HBL के ने स्पॉन्सर किया था, तो स्पॉन्सर में उनको एक थीम दी गई थी तैयार है या तैयार हो, उसके ऊपर अली अजमत ने उस सॉन्ग को प्रोड्यूस किया है, गाया है या उस सॉन्ग के ऊपर म्यूजिक थी। अब बात करते हैं अली जफर साहब के बारे में। अली जफर नो डाउट ही इज़ अ ग्रेट सिंगर के अलावा ही इज़ अ गुड आर्टिस्ट, ही इज़ अ गुड एक्टर, ही इज़ अ गुड डांसर, प्लस ही इज़ अ गुड सिंगर एज वेल। उन्होंने बहुत अच्छे सॉन्ग गाए, चन्नों की याद में पैर क्या था, नशा है, इसके अलावा जुगनुओं से छूले आंचल, तो दीज आर मोर क्लासिकल और यू कैन से कमर्शियल सिंगिंग जो कि एक रिदम में और एक तरीके से गाई जाती है जिसके अंदर वो फील जो होती है, जोश की वाली जो फील होती है वो नहीं मिसिंग होती है। अब बात करते हैं अली जफर का फ़ायदा क्या हुआ इंडिया से। जब से अली जफर आए उनको पाकिस्तान में काफ़ी काम नहीं मिला था, काफ़ी अर्से से वो किसी मूवी में, ड्रामा में या फिर किसी भी एड्स के अंदर, स्पेशली बात करूँगा उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, उसके अंदर उन्हें काम नहीं मिला था, उन्हें नहीं देखा जाता था। इवन जो उनकी जॉनरा की मूवीज़ हैं, फन एंटरटेनमेंट मूवीज़ जो थी वो जी तो पाकिस्तान के होस्ट हैं, वो ज़्यादातर उस किस्म की मूवीज़ करना शुरू हो गए थे। अब बात होती है कि अली जफर ने कैसे फ़ायदा उठाया इस पूरी ओवरऑल सिचुएशन से। हुआ ये कि सोशल लोगों ने जब अली अजमत का सॉन्ग सुना तो दे डिडंट लाइक इट, दे स्टार्ट कंपेयर विद अली जफर का सॉन्ग जो लास्ट ईयर आया था। अब उसमें दिस इज़ कॉल्ड सोशल लिसनिंग। अली जफर, हर सेलिब्रिटी की एक अपनी PR टीम होती है, तो उसकी टीम ने इस बात को पिकअप किया और अली जफर ने वीडियो चलाई। वीडियो चला के जो है क्या कहते हैं उन्होंने पूरा सब कुछ हुआ, जो कुछ भी कैंपेन हुआ, जो कुछ भी हुआ
इवन मीडिया हाउस तो वसीम बदामी ने भी अली अजमत के साथ मसला करना शुरू कर दिया और एक थोड़ा सा पूरा जोश और वलवला इसमें सामने आया और लोगों ने इस बारे में बात कर, खास तौर पे जो एनसीए के स्टूडेंट्स हैं जिनके अली जफर का ताल्लुक भी एनसीए से ही है, ही डिड आर्किटेक्चर फ्रॉम देम, उन्होंने ऑफकोर्स दे हैड सम काइंड ऑफ कनेक्शन विद फीलिंग्स विद अली जफर, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत बढ़ावा दिया। इवन टिकटॉक के ऊपर भी जो एनसीए के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी इस मूवी की बीटीएस बिहाइंड द सीन्स दिखाए हैं और इस चीज़ को करना शुरू कर दिया, बात करना शुरू। इवन अली जफर साहब ने अपने सॉन्ग को भी एन सी एम ए ही आई थिंक प्रोड्यूस किया है या फिर उसकी वीडियो जो बनाई वो एन सी एम ए की बनाई है। तो ओवरऑल अली जफर साहब ने अपना दिखाया, अपनी ब्रांड पावर दिखाई कि भाई मुझे भूल गए हो तुम लोग, लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं कि मेरी फैन फॉलोइंग नहीं है, लोग मुझे नहीं जानते हैं, लोग पीपल आर स्टिल क्रेजी अबाउट मी, स्टिल दे वॉन्ट टू सी, एंड ऑफकोर्स ब्रांड्स को और जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उन्होंने खासतौर पर इस चीज़ को नोट किया। तो अली जफर ने एक बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपनी ब्रांड पावर, अपनी स्टारडम के ऊपर दिखाया कि भाई आई एम स्टिल अ स्टार, आई एम स्टिल पीपल स्टिल वांट टू सी मी। तो आई होप कि नेक्स्ट कुछ अरसे में अली जफर साहब को काम मिलना शुरू हो जाएगा और ही माइट बी, यू गैट माइट सी हिम इन गुड एड्स एंड एवरीथिंग। एड्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, कुछ अरसे पहले आतिफ असलम साहब ने ऑलपर्स का एक ऐड किया था जिसमें उन्होंने तकरीबन 80 to 85 lakh rupees चार्ज किए थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड जो लास्ट ईयर अली जफर साहब ने सॉन्ग गाया था PSL का, तो ही मस्ट हैव चार्ज गुड हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, अराउंड 1 to 1.5 crore rupees चार्ज किए होंगे, क्योंकि खाली उन्होंने सॉन्ग नहीं किया, सॉन्ग नहीं गाया, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पैकेज के ऊपर बनता है, जिसका मतलब ये कि आप प्रिंट जो होर्डिंग लग रही हैं तैयार है कि ये जो कुछ भी, अगर अली जफर साहब होते तो खाली गाना नहीं गाते, वो प्रिंट में भी आते और एक्चुअली जो HBL के जितने भी इवेंट होते उसमें ही मस्ट बी वर्किंग एज एम्बेसडर। तो यू कैन सी, यू कैन अंडरस्टैंड अराउंड 2 to 3 crore rupees आराम से वो चार्ज करते हैं अली जफर साहब। तो उन्होंने अपनी ब्रांड पावर दिखाई लोगों को और खासतौर पर ब्रांड्स को, प्रोडक्शन हाउसेज को, कि यार व्हाट आई स्टिल एम चार्मिंग एंड आई स्टिल पीपल वांट टू सी मी, एस्पेशली यूथ लाइक स्टूडेंट्स ऑफ एनसीए एंड अदर, बिकॉज उन्होंने एक बात बोली थी कि डांस मुझे करके दिखाओ, ये डांस स्टेप है, काफ़ी लोगों ने उस डांस स्टेप को फॉलो किया और उनको वीडियो भेजी है, एंड आई एम नॉट श्योर कि वो ज़्यादातर एनसीए के स्टूडेंट्स थे या वाकई में लोगों ने उन्हें भेजा है, ओनली ही कैन टॉक अबाउट इट एंड जो नंबर्स हैं डेटा वो ही दे सकते हैं। तो खैर ये बात हुई कि अली जफर साहब ने कैसे इस गेन किया और अपनी पावर दिखाई, सोशल स्टारडम लोगों को दिखाया, ब्रांड्स को दिखाया। अब बात करते हैं नुकसान क्या हुआ। एक्चुअली आप आजकल के हालात की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में काफ़ी मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रही है, एवरी थिंग इज़ हैपनिंग। इसके बाद अक्स पाकिस्तान में टूरिज्म बढ़ रही है, लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन बन रही है, खासतौर पर PSL जैसा इवेंट करवा के पाकिस्तान ये साबित करता है कि भाई पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल एरिया और लोकेलिटी और जो कुछ भी यहाँ पे लोग जो हैं पीसफुल हैं और ख़ासतौर पर एंटरटेनमेंट और लुभा से क्या कहते हैं क्रिकेट स्टार्स को बुला के दे कैन एक्चुअली होस्ट अ बिग इवेंट लाइक दिस, तो इट गिव्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑफ पाकिस्तान टू ओवरऑल वर्ल्ड। बट प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, हम लोगों की पाकिस्तानी की आदत है, हमें कोई दुश्मन, हमें इंडिया, अफगानिस्तान या फिर अमेरिका या कोई और नहीं चाहिए अपने घर को आग लगाने के लिए, हम लोग खुद ही काफ़ी हैं। तो यस क्या कहते हैं इसमें वो कौन से एक शो है, रियलिटी शो वकार समथिंग, उन्होंने भी एक कंट्रोवर्सीज करी थी, अली जफर साहब ने भी बहती नदिया में हाथ अच्छे तरीके से धोया। एक्चुअली इफ आई कैन से इस साल PSL के इमेज को जितना नुकसान हुआ है लास्ट ईयर नहीं हुआ है, इवन लास्ट ईयर इट वॉज ऑन मोर बूम देन दिस ईयर। PSL का इमेज ख़राब हुआ है, आप ये सोच सकते हैं कि इस किस्म के इवेंट होते हैं वो ज़्यादातर जो है क्या कहते हैं स्पॉन्सर्स पे चलते हैं, HBL विच इज़ द बिगेस्ट स्पॉन्सर ऑफ दिस इवेंट, अगर वो पीछे हट जाता है तो ये इवेंट, ऐसे इवेंट कराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये PSL को और पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, अगर नहीं लगी है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा, डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, और अगर अच्छी लगी हो आपको लगा हो कि मेरी बात सही है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको अच्छी लगी है। आई स्टिल बिलीव कि अली अजमत ने जो सॉन्ग एंथम था, जो एंथम की एक जोश और एक फील चाहिए होती है वो अली अजमत से आई है, अली जफर ने एक अच्छी कैंपेन की, अच्छा सॉन्ग है, बट माई वोट गोज टू अली अजमत एंड ओरिजिनल HBL PSL सॉन्ग। तो दिस इज़ पठान अकलीम, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।